नमस्कार, मैं हूँ सूरज और ट्रिक्स हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि पुराने नोट और सिक्के कलेक्ट करने का क्या फ़ायदा है। यानी कि बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि ये सब फालतू काम है और इन सब से कुछ होना जोना नहीं है। तो वहीं मैं आप लोगों को आज कुछ प्रूफ दिखाने वाला हूँ और एक पेपर में आज जो न्यूज आया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप पुराने नोट या सिक्का कलेक्ट करके रखे हैं या रखना चाहते हैं, आगे भी आपके पास बहुत सारा कॉइन्स है या नोट है, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको किसी सिक्के के बारे में या बेचने के बारे में जानकारी नहीं देने वाला हूँ, बशर्ते कि इस वीडियो में जिस बारे में हम बात करेंगे वो आपको एक खुशी देगी कि हाँ, पुराने नोट या सिक्के कलेक्ट करने वाले लोगों की भी कुछ वैल्यू है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको एक पेपर का कट दिखाता हूँ। यहाँ पे ये पेपर जो है, हम आज का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 19/7/2018 का। ये पटना में जो है सिक्के संकलन का शौक बन गया जुनून। यहाँ पे बहुत से लोग गए हैं और एक म्यूजियम में जो है यहाँ से लोग आए हैं, और प्लस साथ ही आप देख सकते हैं कि जो लोग खरीदने या देखने वाले लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा लाइन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, इसके पास देख सकते हैं यहाँ पे जो बताया गया है कि इनके पास जो है मगध साम्राज्य का सिक्का है। ठीक है, लखनऊ के सैयद के पास जो है, तो ये सब जो है गुरु गोविंद सिंह का सिक्का है। अमरेंद्र 3 पीढ़ियों से कर रहे हैं सिक्के का संग्रह। तो इस पेपर का कट हालांकि मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया था पहले। हाँ, अगर आप पटना से है, पटना में रहते हैं, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपको पता होगा बिहार म्यूज़ियम कहाँ पे है। बिहार म्यूज़ियम बेली रोड में है और वो आप वहाँ पे जा करके भी इसमें देख सकते हैं। तो इससे आप ये समझिए कि हाँ, पुराने नोट और कॉइन्स कलेक्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ बेवकूफ़ लोगों का ही काम होता है। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कुछ लोगों के मुँह से कि यार, ये सब फालतू काम है और इसमें कुछ तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसको कोई पूछता नहीं है। ये सब बातें हम लोग कई बार सुन लेते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ें दिखाना चाह रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई भी पुराना नोट या सिक्का बेचना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे तरीके बताए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे वीडियो है और उसे आप ज़रूर देखिए। और कम्युनिटी टैब क्या होता है, आप जैसे चैनल पर क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पर कम्युनिटी टैब दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने पोस्ट किया था 35 मिनट पहले। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आपके पास कोई भी पुराना नोट या सिक्का हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि सबको पता चल सके कि आपके पास कौन सा नोट है या किसके पास कौन सा नोट या सिक्का है।